हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोलाइडल प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज़ को। उसमें से हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस भी की थी। इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट, जो जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडर पार्टिकल होता है उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसमें टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे, शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। और इसे बहुत सारे जर्नल एग्जांपल भी हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि आप कभी सिनेमा हॉल में देखें तो जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है, जैसे स्क्रीन पर वो स्ट्राइक होती है तो वो लाइट का जो पाथ होता है हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है कि जो लाइट है वो किस डायरेक्शन से उस फिल्म पर पड़ती है। तो इस टाइप से जिस लाइट का जो पाथ हमें विजिबल होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि उस सिनेमा हॉल का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें डस्ट पार्टिकल और एयर के साथ जो मिक्सचर बनता है वो कोलाइड मिक्सचर बनता है। और कोलाइड मिक्सचर में से जब हम कोई लाइट पास करते हैं तो उस लाइट का जो क्या होगा, वहाँ पर स्कैटरिंग होगा, और ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट द पाथ ऑफ द लाइट कैन बी विजिबल। ओके, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ऐसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि यदि आप कभी भी एक बंद कमरे में अगर हम सफाई करें तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल एयर में क्या करने लग जाएंगे, घुल जाते हैं। और जैसे है उस रूम में यदि कहीं से कोई लाइट आती है तो वो लाइट हमें क्लियरली दिखाई देती है कहाँ से वो आ रही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखने को मिलते हैं। और इसका जो एक कारण है वो यही है कि इसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है, और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ओके, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ क्या है इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में होगा क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ द लाइट कैन बी विजिबल, कैन बी सीन, ओके, एट द राइट एंगल। तो वॉट इज द टिंडल इफेक्ट? तो ये एक टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम है कि टिंडल इफेक्ट कैसे हम देख सकते हैं।
तो इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसको हम एक अपरेटस में से निकालते हैं, जो इस सोर्स ऑफ लाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है एक जगह पर, सेंट्रलाइज करेगा। जैसे ये जो बीम ऑफ लाइट है ये कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास होती है, तो पास होने पर यहाँ पर एक कॉन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ये लाइट इस पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है तो ये पार्टिकल इल्यूमिनेटेड होता है, इल्यूमिनेट होता है, चमकता है। और जैसे इस पार्टिकल से ये लाइट स्कैटर होती है तो स्कैटर होने के बाद ये कुछ इस टाइप से वापस स्कैटरिंग होगी, एक कॉन बनेगा। और इस कॉन को ही क्या कहते हैं, टिंडल कॉन कहते हैं। जब हम इस सॉल्यूशन को इसके राइट एंगल पे हम देखते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है, ये व्यूअर है, तो राइट एंगल पर देखने पर ये जो पार्टिकल है हमें इल्यूमिनेटेड शो होता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइट है वो जैसे सॉल्यूशन से जाती है तो इसका पाथ हमें वहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ लाइट जिस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी वहाँ पर वो पार्टिकल उसे स्कैटर करता है, जिससे वो पार्टिकल चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो चमक होती है उससे ही हमें पता चलता है कि लाइट का जो पाथ है वो कौन से डायरेक्शन से आता है। ये होता है टिंडल इफेक्ट। ओके, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे किस टाइप से टिंडल इफेक्ट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आगे। When a light, a beam of light is passed through a colloidal solution, then the particles get illuminated, the particle can be seen is illuminated and the path of light can be seen at right angle by using microscope. This effect is due to the scattering of light and is called Tyndall effect. तो Tyndall effect एक्चुअल में हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम किसी बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जो कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं और एल्यूमिनेटेड हो जाते हैं। और जैसे हम इसे राइट एंगल से देखते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप तो ये जो एल्यूमिनेटेड पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं और हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन से वो लाइट इसमें से पास हो रही है। तो लाइट का जो पाथ है वो हम क्लियरली वहाँ पर सीन कर सकते हैं और इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये जो टिंडल इफेक्ट है वो डिपेंड किस पे करता है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट और कह सकते हैं
द डिपेंड्स ऑफ टिंडल इफेक्ट्स. टिंडल इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल. द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट, नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल जो होती है उस पर ये डिपेंड करेगा. दूसरा है the wavelength of incident beam of light. okay, जो light incident होती है उसकी wavelength, उस पर भी depend करेगा. third point है the refractive इंडेक्स ऑफ मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ओके. नॉट द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन effectively in lyophobic colloids than lyophilic colloids because of the refractive index difference is large in case of lyophobic colloids. यानी लायोफोबिक कोलोइड्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो ज़्यादा डिफरेंस होता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, लेकिन लायोफिलिक में ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है. तो वहाँ पर ये थोड़ा कम इफेक्टिवली हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली अगर टिंडल इफेक्ट हमें देखना है तो लायोफोबिक कोलोइड को लेकर अपन उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है. लेकिन लायोफिलिक में ये बहुत ही कम हमें दिखाई देगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो टिंडल इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिक्सचर और कोलोइड सॉल्यूशन. ओके, तो ये कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट और द डिपेंडेंट ऑफ द टिंडल इफेक्ट ऑन थ्री पॉइंट्स, थ्री प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ लाइट and refractive index of medium. Okay.